हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑफ अनदर वीडियो। आज वीडियो में सिखाऊंगा मैं जो आप फ्लोरिंग करते हैं, जो आप स्लैब करते हो, स्लैब कास्टिंग करते हो, तो उसके टाइम पे आपने देखा होगा जो फिनिशिंग आ जाती है, जो टॉप लेवल होता है वह क्या होता है, फिनिशिंग आता है, फिनिशिंग सरफेस होता है। तो फिनिशिंग सरफेस बनाने के लिए जैसे कि आप सेकेंड फ्लोर पर जाएंगे, सपोज़ कीजिए आपका ये फर्स्ट फ्लोर है, तो फर्स्ट फ्लोर की आपने स्लैब कास्टिंग की, तो आपको आना है सेकेंड फ्लोर के ऊपर। तो सेकंड फ्लोर के ऊपर आप टाइल लगाएंगे या फिर पत्थर लगाते हैं या फिर कोई भी फ्लोरिंग करते हैं, जो भी फ्लोरिंग करते हैं, तो उसमें आप मोर्टार जो यूज़ करते हैं, मोर्टार के बीच में और फ्लोरिंग के बीच में आपकी फ्लोरिंग या फिनिशिंग है, फ्लोरिंग और मोर्टार के बीच में कोई गैप नहीं, मतलब ये जो फिनिशिंग है वो फिनिशिंग उसकी जो स्ट्रेंथ कम होती है और जो रफ सरफेस होता है उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। जो मोर्टार में जो पकड़ बनती है वो फिनिशिंग फेस में नहीं बन पाती है, वो पपड़ी बन जाती है, और मोर्टार जो होता है वो स्ट्रेंथ फिनिशिंग फेस के ऊपर ही बना रहता है, वो जॉइंट नहीं बन पाता है। जैसे सपोज़ कीजिए फिनिशिंग फेस है, इस फिनिशिंग फेस पर अगर आप कोई मोर्टार डालते हो तो दो दिन के बाद आसानी से निकाल सकते हो उस मोर्टार को। अगर यहाँ पे थोड़ा सा रफ़ कर देंगे तो उसी फिर फेस पर आप मोर्टार रख दीजिए, कोई भी मसाला, सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट या कंक्रीट में डाल दीजिए, वो आसानी से नहीं निकलती है। वो ये रीज़न होता है कि जो उसमें आप रफ़ कर देते हो तो रफ़ की वजह से जो मोर्टार की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाती है। इसीलिए ये हम जो यहाँ पे करवाते हैं फ्लोरिंग के लिए रफ सरफेस करवाते हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हैं यहाँ पे फिनिशिंग हो गया है एंड ये रफ़ हो गया है। तो रफ़ कैसे करेंगे, वायर ब्रश की सहायता से करना है या फिर आपके जो साइड पर उपलब्ध होते हैं, जैसे कि आपकी कोई सीक्स वाले झाड़ू होते हैं या फिर वायर जो तार होते हैं, बाइंडिंग वायर होते हैं, उससे कर सकते हैं। जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ आपको वायर ब्रश से किस तरह से इसको रफ़ करते हैं, ये आपका जो है रफ सरफेस है, रफ सरफेस की, इसलिए ठीक है। तो ये आपका वायर ब्रश रहेगा इस तरह से, तो ये वायर ब्रश रहता है इस तरह से, ये मार्केट में आसानी से बोलो 30 से 35-40 तक आ जाता है ये। तो इसके साथ से जो सरफेस होता है, फिनिशिंग फेस होता है, उसको रफ़ कर लिया जाता है ताकि इसमें टाइल लगाते हैं, पत्थर लगाते हैं, जो उसमें मोर्टार यूज कर रहे हैं वो आसानी से उसकी जो स्ट्रेंथ है पकड़ बन जाए, और फ्यूचर में कोई टाइल है या कोई खाली ना बोले, जैसे फ्यूचर में वो बोलने लगता है, खाली जगह जगह डबिंग आने लगती है और टाइल टूटने के भी वो चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये मेन रीज़न होता है कि फिनिशिंग फेस में हमें रफ़ फेस क्यों बनाना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें भी हम सीमेंट सलरी होती है, सीमेंट सलरी भी डालते हैं फिनिशिंग फेस में, ताकि जो मोर्टार है और स्लैब के ऊपर जो स्ट्रेंथ है वो सीमेंट सलरी होता है, सीमेंट पेस्ट भी बोल सकते हैं, सीमेंट में जो पानी वानी डालते हैं, सीमेंट घोल भी बोलते हैं उसको, वो डालकर तब मोर्टार आपको उसमें बिछाते हैं, फिर उसमें टाइल का काम शुरू करते हैं। तो बस ये मेन पर्पस था जो मैंने आपसे शेयर किया। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर देना। थैंक यू।